हरदोई की एक जनसभा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुषों से की। जिन्ना और सरदार की विचारधारा को अखिलेश ने एक करार दिया। अखिलेश के इस जिन्ना प्रेम पर बीजेपी हमलावर हो गई। सीएम योगी समेत बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश के बयान की आलोचना की, उनके समाजवाद पर सवाल खड़े किए। कुछ इस तरह अखिलेश का जिन्नावास सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया और एक नई बहस छेड़ दी। अखिलेश की जुबान से निकला सियासी तीर अब उनकी ही साइकिल को पंक्चर करता नजर आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश का मुकाबला वैसी से है कहीं ना कहीं। इसी वजह से अखिलेश ने जिन्ना का जिन अपनी चिराग से बाहर निकाला है, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा बना लिया। ऐसे में राष्ट्रवाद और नमाजवाद को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इसी मुद्दे पर तमाम मेहमानों के साथ करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले बहस से जुड़े तीन बयान दर्शकों को सुनवा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन जिन्नावादियों के चक्कर में आप मत पड़िएगा। भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति, भारत को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति आपका कभी हितेशी नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है, और ऐसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। ये ऐसी पार्टी को जिस भाषा में ये समझना चाहते हैं जनता, उस भाषा में समझाने का काम करेगी। और 2022 में 2017 से भी बुरे हालात समाजवादी पार्टी के होंगे। और श्री अखिलेश अली जिन्ना, उनका कहूं तो मुझे कोई गलत नहीं लगता है, उन्हें तत्काल देश और प्रदेशवासियों से माफी मांगना चाहिए। और न्यूज स्टेट के सवाल वैसे से मुकाबला, क्या अखिलेश ने जिन्ना कार्ड इसीलिए चला है? अखिलेश की जुबानी तीर से पंक्चर हुई साइकिल। 22 में नमाजवाद का राष्ट्रवाद से मुकाबला, जिन्ना का जिन अखिलेश को सत्ता दिलाएगा। क्या तुष्टिकरण की राजनीति जिस तरीके से अभूनी शुरू हो गई है, क्या मुस्लिम चेहरा बनने की कोशिश में अखिलेश? अखिलेश के बयान से किसका खेल बिगड़ेगा? हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आलोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी आसिफ रिजवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी, इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि इतिहास को भी समझना है, जानना है। हमारे पैनल में बैठे सभी गेस्ट भी जाने जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि एक ही जगह से पढ़े लिखे, हालांकि जिन्ना का नाम न लेते तो बेहतर होता। जरा आपसे समझना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं, इतिहास क्या कहता है? देखिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, तो मुझे उनकी बातों से एक बात याद आती है कि एड़ी को उठाए हुए पंजों पे खड़े हैं और बौने समझते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। इतिहास की जानकारी कहीं रखना आवश्यक हो जाता है, और इतिहास की जानकारी अगर ना हो तो ऐसे शब्द और वचन बोलने से परहेज और गुरेज करना चाहिए। जिन्ना के साथ सरदार पटेल का नाम जोड़ना, महात्मा गांधी का नाम जोड़ना, यह जाहिर करता है कि उनकी बुद्धि कितनी अल्प है, ज्ञान अल्प है। और ऐसे में जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताना कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक महती भूमिका अदा की, तो जिन्ना ने खुद अपने बारे में कहा था, आई क्रिएटेड पाकिस्तान ऑन माई टाइपराइटर। जिन्ना वो शख्स हैं जिन्होंने, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वो 4 घंटे क्या 4 मिनट के लिए भी कभी जेल नहीं गए। जिन्ना हमेशा, उन्होंने, अगर मैं कहूँ इतिहास की जितनी मुझे समझ है 43 वर्षों के अध्यापन और अध्ययन के उपरांत, तो वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारतीय राजनीति का और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का सांप्रदायिकरण कर दिया। अनुराग भदौरिया जी, नेशन थ्योरी के की पराकाष्ठा घनघोर क्यों अखिलेश यादव पार कर रहे हैं? लड़ाई हो सकती है ओएसी से, लेकिन तुष्टिकरण की ये राजनीति उत्तर प्रदेश में आखिर अखिलेश करना क्या चाहते हैं?
आपको वोट लेना है लीजिए मुसलमानों का, आपको टोपी पहनना है पहनिए, लेकिन इस देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, इस देश के महापुरुषों के साथ जिन्ना का नाम ना शामिल किया जाए। देखिए आपको जो करना है आप करो, लेकिन आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, सम्मान से हर चीज की नाम लीजिए। आप अपने से अपनी कहानी बना लेते हैं भाई, बीजेपी प्रवक्ता से अभी मुझे लड़ना है कि आपसे लड़ूं पहले ये बता दीजिए। आप अपने अपने से बताना चाहते हैं कि हमें क्या पहनना है हमें क्या नहीं पहनना है, आप समझाओगे मुझे? आप डिबेट में बुलाते हो मुझे, टोपी क्या पहनना है नहीं पहनना है, मेरी मर्जी, मैं क्या पहनूंगा नहीं पहनूंगा, तो मेरी मर्जी, मुझे जो सवाल करना है मेरी मर्जी, जो मुझे तस्वीर दिखाई देती है आपके सामने रखे, सवाल थोड़ी पूछेंगे आप, ऐसा सवाल पूछेंगे आए भाई साहब पूछने लग जाओगे। नहीं आप ही सवाल क्लियर कर दीजिए, आप हमें पेज पर लिख कर दिया कीजिए, वही सवाल पूछा करें। नहीं आप बताइए ना, आप बताएंगे हमें सवाल, आप सवाल पूछिए। नहीं सही सवाल है, सही सवाल है, आपको जवाब देना जवाब दीजिए, आपको जवाब देना जवाब दीजिए, सवाल सही है, सवाल चुभेगा क्योंकि मामला राष्ट्रवाद का है। आप जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी से कीजिए, जिन्ना की तुलना पटेल से कीजिए, जिन्ना की तुलना आप जवाहरलाल नेहरू से कीजिए, सवाल पूछिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, तुष्टिकरण की राजनीति कब तक होती रहेगी? बस सवाल पूछिए, लेकिन हमें टोपी पहननी नहीं पहननी, अगर आपको बीजेपी की चापलूसी करनी है तो बीजेपी के दफ्तर जाइए। नहीं आप भी तुष्टिकरण की राजनीति कीजिए, आप भी तुष्टिकरण की राजनीति कीजिए, आप कीजिए, आप जैसे चापलूसों से मुझे नहीं पूछना। नहीं आप जैसे लोग जो जनभावनाओं के साथ खेलते हैं, जो जिन्ना को लाते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, लेकिन आपकी पार्टी सर्वोपरि है और आपका वोट बैंक सर्वोपरि है। हमें आपसे लड़ाई नहीं लड़नी है, आप लड़ाई लड़िए, आप लड़ाई लड़िए जिससे लड़नी है। पहला श्लोक सुनाइए गीता का, चलिए राष्ट्रवाद है क्या? आप गीता की बात करने लगे, आप संविधान जो सर्वोपरि है इस देश में, संविधान की बात कीजिए जो सर्वोपरि है। आप सवाल पूछिए, आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे मेरे सवालों का, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, आपसे तो सवाल करना ही जायज नहीं है। आप अपनी नेतागिरी देखिए, आलोक पांडे जी जवाब नहीं दे पा रहे, जो तस्वीरें आती रही उसी तस्वीरों को लेकर सवाल किया गया, जवाब नहीं मिलेंगे। आपको लड़ने के लिए आते हो, छोड़िए जाने दे अनुराग भदौरिया जी, आपको पता था ये सवाल जैसे पूछेंगे तो आपका आपकी जुबान से ऐसी बातें निकलेंगी। आलोक पांडे जी जिन्ना इनके लिए बड़े हैं, संभल के बोलिए कि टोपी पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, आप बताओ कि टोपी पहनेंगे, शर्म नहीं आती तो मैं अशोक पांडे पहनते हैं टोपी, अखिलेश यादव टोपी तो पहनते हैं, अखिलेश यादव तुम कौन होते बोले वाले कि टोपी पहनो नहीं पहनो, बोलूंगा मैं चापलूसी की हद होती, बोलूंगा मैं शर्म आनी चाहिए, अखिलेश जिन्ना की बात करेंगे तो बोलूंगा मैं। आलोक पांडे जी जिन्ना की बात हो, अरे आपकी हैसियत नहीं है क्या बात, अरे आपको छोड़ दीजिए ना, मैं भारत का नागरिक हूँ, संविधान हमें हक देता है बोलने के लिए, आप मुझे ना बोलिए कि हमें क्या बोलना है, बोलिए आलोक पांडे जी, आलोक पांडे जी बोलते रहेंगे, ये कम करिए। आलोक पांडे जी करिए जी, मैं अशोक पांडे हूँ। अशोक पांडे जी बोलिए आप, हेलो आवाज आ रही है अशोक पांडे जी, आप बोलिए। हाँ देखिए, कल अखंड भारत के निर्माता और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, जिन्होंने इस मुल्क को एकता के सूत्र में बांधा, अखंड भारत जिन्होंने बनाया, भारत के पहले यशस्वी गृह मंत्री बने, स्वतंत्रता सेनानी थे, अंतिम आदमी की लड़ाई लड़ने वाले थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले, उनकी जयंती पे जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने इनकी तुलना महात्मा गांधी की तुलना लियाकत अली जिन्ना, जिसने भारत माता के शीश को मजहब के नाम पर खंड खंडित करने का काम किया, जो जिस राष्ट्रद्रोही ने भारत पाकिस्तान बंटवारा कराने का काम किया, पाकिस्तान बनाने अशोक पांडे का जी तो महिमा मंडन क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में? अखिलेश यादव जैसा जिम्मेदार आदमी अगर करता है वल्लभ भाई पटेल से, ये अक्षम्य अपराध है, ये देशद्रोही कदम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुष्टिकरण के चलते मुलायम सिंह ने अयोध्या की धरती को, सरयू की धरती को लाल कर दिया था राम भक्तों के लहू से, तुष्टिकरण के चलते इनका संभल का सांसद तालिबान का समर्थन करता है, ये राष्ट्रद्रोही कदम अखिलेश यादव जी ठीक का है। आसिफ रिजवी साहब, आसिफ रिजवी साहब भाई देश के पहले प्रधानमंत्री, समाजवादी देश के पहले गृह मंत्री, ठीक है वो बोल लिया, अशोक पांडे जी बोल चुके हैं,
देश के पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री हमारे राष्ट्रपिता, उनकी तुलना जिन्ना से? देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केवल तुष्टिकरण की राजनीति। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो मुजफ्फरनगर जैसा जो है दंगा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को तुष्टिकरण करने का मौका मिला। आज समाजवादी पार्टी को जब सड़क पे नहीं आना, जब संघर्ष नहीं करना है, आप बताइए। जब लखीमपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की कहने वो तो ठीक है, आपकी सारी बातों को मानते हैं, लेकिन लेकिन ये तुलनात्मक अंदाज अखिलेश यादव का कहता क्या है? मैं कह तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और इनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, मुद्दों की राजनीति करनी है। आज बिजली इतनी महंगी है, उस पर बोलेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी खुश है, भारतीय जनता पार्टी उस बात का जवाब नहीं देगी। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे बिजली के बारे में बताओ, चुप रहेंगे। महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर वन पे हो गया, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। किसी भी एक बात का जो प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा, जवाब नहीं दे पा रहा। और ये दांकुश का समाजवादी पार्टी का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि दोनों को तुष्टिकरण की राजनीति करनी। भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, मणिकल पट्टीदार ने त्रिपाठी जी की हत्या करी थी, 2 लाख का इनामी है, आज तक वो IPS पकड़ा नहीं गया है, मोबा वाला, क्या करेंगे आप? जवाब नहीं देंगे। बिजली पूरे एशिया में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश की क्यों है? भारतीय जनता पार्टी से पूछो। कांग्रेस अपने मुद्दे गिनवा रही है सर, जिस पर हम चर्चा करने बैठे उस पर चर्चा करेंगे आप? आपका मुद्दा आप ले जाइए ना, उसे सड़क पर उतारिए, लेकिन जो हुआ उस पर बात कीजिए आप, उस पर तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जरूर देखना चाहिए, महिला अपराध मुद्दा नहीं है, महंगी बिजली मुद्दा नहीं है। अगर नहीं अनुराग जी, वक्त कम है, अब आप भी बता दीजिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, लड़ तो लिए जितना लड़ना था आपको। नहीं नहीं, मेरा स्टैंड ये है कि मुझे शर्म और इस बात का अफसोस होता है कि बीजेपी बोलती है आपको सांप काट लेता है, आप तो एक शब्द नहीं बोलते, आप तो एकदम बगला भक्ति ऐसे बैठ जाते हो। माने इतना डर काहे पत्रकारिता कर रहे हो, छोड़ दो यार। आप मुझसे लड़ने आए हैं, आप मुझसे सवाल करने आए हैं बीजेपी से? और क्या आपको याद दिलाना है? जिन्ना का प्यार क्यों है? अखिलेश यादव को जिन्ना इतने प्यारे क्यों हैं? अखिलेश यादव को जिन्ना इतने प्यारे क्यों हैं? अखिलेश यादव इतना प्यार क्यों कर रहे हैं जिन्ना को? जिन्ना से क्या मिलेगा आपको? जिन्ना का नाम लेकर क्या मिलेगा अखिलेश यादव को? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, सेल्फ गोल करते हैं। आप कीजिए ना शर्म, आप कीजिए। समाजवादी पार्टी ने राजनीति को भेज दिया है, जिन्ना जिन्ना का नाम लेकर, जिन्ना का नाम लेकर, जिन्ना का नाम लीजिए ना, जिन्ना जिन्ना जापिए जापिए जिन्ना का नाम मिल जाएगा 2022 में आपको परिणाम। राष्ट्रवाद 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 भी कुछ होता है, खाएंगे भारत की बात करेंगे, जिन्ना की बात कीजिए। जवाब दे दो आपको, जो जितना वक्त मिलना था आपको मिल चुका है, आपको जितना वक्त मिलना था आपको मिल चुका है, आप इधर उधर की बातें करते रहे। योगेश्वर तिवारी जी, योगेश्वर तिवारी जी, हालांकि इतिहास घूम फिर कर क्या बताता है, जिन्ना को सब जानते हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इतिहास से हमने सीखा क्या जो आज भी जिन्ना का नाम लोग ले रहे हैं? हमें तो नहीं लगता कुछ सीख पाए। देखिए देखिए, एक बहुत ही विश्वविख्यात स्टेट्समैन हुए बिस्मार्क, और उन्होंने कहा कि वाइज मैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, फूल्स लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। तो यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कौन गलती कर रहा है आप देख रहे हैं। और एक और बात कही गई है, वो सर्वविदित है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। और अगर एक पार्टी का नेता इस तरह की बात कर रहा है, ठीक है, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिन्ना का नाम लेकर अखिलेश यादव वाकई हालांकि नई सियासत को धार देने की कोशिश में लगे हुए हैं, वैसे से उनकी लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसी एक समुदाय विशेष का वोट बैंक पाने के लिए आप जिन्ना का नाम क्यों ले रहे हैं? आखिर जिन्ना की तुलना पटेल से क्यों, जिन्ना की तुलना नेहरू से क्यों, जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता से क्यों? ये आकलन, ये समझना होगा यूपी की जनता को। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।